एट क्लास हमने जो अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था सिविक्स का सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इस चैप्टर का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो है कौन से प्रोविजंस किए गए हैं इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के जो है डेवलपमेंट के लिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउट लॉट all social disabilities arising from the caste system, the government for the social and the economic uplift of the exploited and the oppressed caste undertook positive measures. Following are the main provisions. ठीक है, तो जो है ऐसे जो marginalized groups हैं उनको उनकी development के लिए, ठीक है, उनकी जो living life को जो life का जो standard है उसको improve करने के लिए जो है जो provisions यहाँ पे दिए हुए हैं ये हमारे constitution में किए गए हैं, ताकि जो है ये अपना जो development है उसे कर सके। Article 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है ये। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, जो प्रमोशन है उनको एजुकेशनली इकोनॉमिकल जो है फील्ड में दिया जाए, ताकि जो है वो अपना लाइफ जो है वो अच्छे से इम्प्रूव कर सके। आर्टिकल 330 में जो है ये प्रोविजन किया गया, प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो है लोकसभा में जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं आर्टिकल 330 के अंडर, ताकि जो है इन्हें जो है वहाँ पर इनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में हो सके। आर्टिकल 332 प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें भी आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। आर्टिकल 243D और 243T प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये जो दो आर्टिकल दिए हुए हैं ये पंचायती राज में और म्यूनसिपैलिटीज में जो है रिजर्वेशन एससीज एसटीज या फिर इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, जो अनटचेबिलिटी है इसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 275 देयर इज अ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द पर्टिकुलर स्टेट और स्टेट्स। जो आर्टिकल 275 है ये प्रोविज़न करता है ऐसे फंड का, बनाया गया एक टाइप का जो कोष है, एक फंड बनाया गया है एससी एसटी की जो है वेलफेयर के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि जो है उस फंड में जो भी जो पैसा आएगा वो जो है सिर्फ इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 275 जो है ऐसा प्रोविज़न करता है कि स्पेशल टाइप का जो फंड है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए बनाया जाएगा। अदर प्रोविजंस आर कुछ और प्रोविजंस किए गए, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जो प्रमोशंस हैं उनमें भी इनके लिए जो है रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन फॉर अनफिल्ड वैकेंसीज फॉर द एससीज एंड एसटीज, जो वैकेंसीज हैं उनमें भी उनके लिए रिजर्वेशन होता है ऑलरेडी। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और फॉर एससी एसटीज एंड देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो स्पेशल अरेंजमेंट की गई है इनके लिए। ठीक है, और जो है सीटें यहाँ पर भी इनके लिए रिजर्व होती है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो है सी एस टीज के लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाती है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स 14-18, राइट टू इक्वालिटी जो है ये आर्टिकल 14-18 के अंडर आता है। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज एंड दे विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है, जो आर्टिकल 14-18 है इसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि जितने भी जो सिटीजन्स हैं वो सारे जो है लॉ के अकॉर्डिंग सब इक्वल हैं। ठीक है, कानून के सामने सब जो है बराबर हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस कास्ट जेंडर रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा प्रोविजन भी करता है कि जो स्टेट है वो किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उनके जेंडर को लेकर या फिर उनके कास्ट रिलीजन को लेकर। ठीक है, अनटचेबिलिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द सेंचुरी ऑफ ओल्ड वैदिक ट्रेडिशन व्हेन द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण्स और कास्ट, द ब्राह्मण कास्ट्रिया वैश्या एंड शूद्रा। ठीक है, तो जो अनटचेबिलिटी है ये उसी टाइम से फॉलो होता आ रहा है जब जो है वैदिक काल था, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उस टाइम पे जो पूरी सोसाइटी है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसे 4 वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें ब्राह्मण, ठीक है, जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए एक अलग ग्रुप होता था, वैश्यास के लिए अलग होता था, शूद्रा के लिए जो है ग्रुप अलग होता था। दिस कास्ट सिस्टम रिजल्टेड इन
दिस पार्टीज एंड डिग्रेडेड द पोजिशन ऑफ शूद्रास एंड लेटर नोन एज अनटचेबल. ठीक है, जो लास्ट वाला फोर्थ ग्रुप था हमारा, यही जो है बाद में अनटचेबल्स के रूप में सामने आया. अनटचेबल्स वर लुकड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस टू द अदर क्लासेस. जो लास्ट वाला ग्रुप था हमारा अनटचेबल्स का, उनको उनका काम क्या होता था, सर्विस यानी सेवा करना बाकी के जो तीन ग्रुप्स हैं उन लोगों की. ठीक है, दिस वॉज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ एंड हेरिडिटरी. और ये जो डिवीजन किया गया था ये किस बेस पे किया गया था, कि बर्थ के बेस पे किया गया था. ठीक है, कि जो अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका जो बेटा होगा वो भी ब्राह्मण होगा. ठीक है, तो ये उसकी बर्थ पे डिपेंड करता था. देर वर मैनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी इन द मेडिवल एंड कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया. ठीक है, तो मेडिवल और कॉलोनियल पीरियड में भी जो है बहुत जो है अनटचेबिलिटी का जो ट्रेडिशन था वो खत्म नहीं हुआ. बट मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी सपोर्टेड एंड स्ट्रांगली रिएक्टेड अगेंस्ट द एंटायर एक्सप्लॉयटिव सिस्टम. ठीक है, लेकिन जो 19th सेंचुरी है इसमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हुए, समाज सुधारक हुए, सोशल रिफॉर्मर्स हुए, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए इस पूरे सिस्टम को जो है हटाने के लिए. देर एक्शन प्रोग्राम वर टू बी प्रोपोगेट इंटर कास्ट मैरिजेस एंड अरेंजिंग कॉमन मील्स बिटवीन द अनटचेबल्स एंड हायर कास्ट. इन्होंने जो है ऐसे एक्शन किए जो कि जो है इनकी वन सिस्टम के जो है खिलाफ था, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया ताकि जो ये सिस्टम है वो ख़त्म हो सके. द 20th सेंचुरी स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम स्पेशली सपोर्ट टू द अनटचेबल्स वॉज लेड बाय अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी. ठीक है, जो 20th सेंचुरी में जो स्ट्रगल स्टार्ट किया गया था अनटचेबिलिटीज जो ट्रेडिशन था इसको ख़त्म करने के लिए अंबेडकर और गांधी जी ने जो है बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चलाए 20th सेंचुरी में. एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंबेडकर कुड अचीव टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्मल इनइक्वालिटीज अमंग इंडियन सिटीजन. सो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो कि खुद जो है दलित कास्ट से आते थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाया था. ठीक है, उन्होंने जो है इस टाइप की जितनी भी इनको इनइक्वालिटीज थी उसको ख़त्म करने का पूरा ट्राई किया. द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड नॉट ओनली द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बट मेकिंग अ क्रिमिनल एंड कॉन्विजिबल ऑफेंस टू फाइंड अ सॉलिस फॉर दीज क्लासेस. अम्बेडकर ऑल्सो लेड अ मास कन्वर्जन ऑफ द अनटचेबल्स टू बुद्धिज्म. ठीक है, तो जो अम्बेडकर थे उन्होंने जो है उन्होंने सिर्फ जो है अनटचेबिलिटी को सिर्फ जो है एबॉलिश ही नहीं किया. ठीक है, उन्होंने जो है इसे एक बहुत बड़ा जो है क्रिमिनल ऑफेंस यानी जो है क्राइम भी माना. ठीक है, इसके लिए जो है पनिशमेंट भी कॉन्स्टिट्यूएंट में जो है प्रोवाइड करवाया. ठीक है, गांधी सॉट टू अचीव द इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू हिस हरिजन कैंपेन. उन्होंने जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हरिजन नाम से एक कैंपेन चलाया था. ही ऑल्सो इस्टेब्लिश हरिजन कॉलोनीज एंड लिव्ड देयर. उन्होंने जो है हरिजन कॉलोनीज भी कॉलोनी भी इस्टेब्लिश की थी और वो वहाँ पर रहती भी थी. ठीक है, ही ऑल्सो अरेंज्ड कॉमन मील्स बिटवीन हरिजन्स एंड अपर कास्ट एंड टेम्पल एंट्री ऑफ हरिजन्स. उन्होंने जो है ऐसी बहुत सारी मील्स यानी जो है वो हरिजन्स को यानी हरिजन जो नाम है उन्होंने दलितों को दिया था. ठीक है, उनको और अपर कास्ट के लोगों को जो है एक साथ जो है मील पे इन्वाइट करते थे. ठीक है, टेम्पल में भी जो है हरिजन्स को एंट्री मिली. इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स बहुत सारे कैंपेन चलाए. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर द सोशल एंड टू इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द एक्सप्लोइटेड एंड द ऑप्रेस्ड कास्ट अंडरटुक पॉजिटिव मेजर्स. ऑल हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस वर थ्रोन अपॉन टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज. सिमिलरली ऑल पब्लिक प्लेसेस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन ऑफ टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट. ठीक है, तो जो है जब हम जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने जो है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए इनके विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो है कानून भी बनाए, बहुत सारे ऐसी जो है पॉलिसीज़ हैं वो लेकर आए. ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाए. इस चीज़ को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इस चीज़ की गारंटी दिया. रिजर्वेशन पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड इन एजुकेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर अनटचेबल. दिस वॉज कॉल्ड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाली गई ताकि जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन में जो है अनटचेबल्स को जो है
अनटचेबल्स को भी एंट्री मिल सके, ठीक है, उनकी भी, उनका भी जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है लेजिस्लेशन में, लॉज बनाने में, कानून बनाने में रहे, इसके लिए जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, रिजर्वेशन की पॉलिसी को। इसके आगे से हम अपना चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।